देखिए आज हम लोग राजभवन रांची सहित राज्य के गिरिडीह में, जामताड़ा में, देवघर में, साहेबगंज में, चकरधरपुर सिंघू में और कोडरमा में, 7 जिलों में आज हम लोग जो है महाधरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। महाधरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग राज्य सरकार को ये बताना चाहते हैं कि विगत दिनों शिक्षा विभाग का जो तुगलकी फरमान निकला कि बिहार के पीरियड से जो उर्दू स्कूल चल रहा है, जो अपग्रेड हुआ था किसी जमाने में, उसका जो है उर्दू का स्टेटस को खत्म कर देने का फतवा जारी हुआ है सरकार के द्वारा। जो शुक्रवार को छुट्टी होती थी उसको समाप्त कर दिया गया है। हाथ जोड़ के प्रार्थना करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। इसी प्रकार झारखंड में उर्दू के कई मामले हैं। 2018 में हाईकोर्ट का डायरेक्शन है कि +2 में उर्दू टीचर का पोस्ट किया जाए। साथ ही साथ 3712 पद जो 4401 का पद है बरसों से खाली पड़ा हुआ है, 2018 का ही NCT का डायरेक्शन है कि इस पद को जो है स्नातक टेट उत्तीर्ण से भरा जाए। 2008 में, 12 में, 14 में और 17 में हाई स्कूलों में शिक्षकों की बहाली हुई है। जो उर्दू में जो आरक्षित पद जो है वो खाली पड़ा हुआ है उसको पिछड़ा और सामान्य वर्ग से भरने का मसला है। 2007 में उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज नोटिफाई किया गया है लेकिन उसका पालन नहीं है। 2013 का संकल्प है कि उर्दू विद्यालयों में उर्दू भाषा लिपि में किताबें दी जाएंगी लेकिन उसका पालन नहीं है। झारखंड में वक्फ बोर्ड नहीं है, माइनॉरिटी कमीशन नहीं है, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन नहीं है, 15 सूत्री कमेटी नहीं है। झारखंड में 15 सूत्री कमेटी नहीं रहने के कारण जो केंद्र से अल्पसंख्यक विकास की जो राशि मिलती है 3 फाइनेंशियल ईयर से झारखंड वंचित रह गया है। मॉब लिंचिंग की कानून नहीं बनी है, ना मॉब लिंचिंग पीड़ित परिवारों को न्याय मिला है, ना मुआवजा मिला है। ऐसे कई मसले हैं जिस पर पिछले 3 सालों से हम लोग मांग कर रहे हैं लगातार सरकार से कि इन मांगों को पूरा करें, लेकिन इन मांगों को पूरा करने के बजाय झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग से तुगलकी फरमान जारी होता है उर्दू स्कूलों को लेकर। हम लोग आज उसका विरोध में और इन मांगों को लेकर हम लोग महाधरना दे रहे हैं। अगर हम लोगों के मांगों को जो है नहीं माना गया तो आज हम लोग पूरे राज्य में शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग जो है चौपाल लगा के निर्णय लेंगे। मेरा नाम एस अली है, मैं अध्यक्ष हूँ झारखंड छात्र संघ आमिया संगठन रांची।